जब भी नए लोग एंटर करते हैं मार्केट के अंदर, तो हमेशा ना हम लोग रैंडम वीडियोस को देखते हैं, हम लोग मेंटर्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ सीखना होता है, हमें स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे लेना है वो पता लगाना होता है। तो हम लोग जनरली, जितना भी लोगों ने सुना होगा कि जब आपके पास एक स्ट्रैटेजी होती है तो आप उस स्ट्रैटेजी को मार्केट पर इंप्लीमेंट करते हो और अपने ट्रेड्स लेते हो और उस ट्रेड्स के थ्रू आप प्रॉफिट कमाते हो। बट वो स्ट्रैटेजी है क्या, कैसे ढूंढे, कैसे बनाया, अगर हमने बना ली, अगर हमने किसी और से ले ली वो स्ट्रैटेजी, तो कैसे हम पता लगाएं कि वो स्ट्रैटेजी हमारे लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है? क्या वो स्ट्रैटेजी पिछले टाइम पे वर्क करी थी या नहीं करी थी? क्या उस स्ट्रैटेजी को हम लोग रियल मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं अगर हम अपना पैसा भी ना लगाएं? तो यस गाइस, सारी चीजें पॉसिबल है। अब जनरली होता क्या है, जब भी हम लोग अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि उसको टेस्ट कैसे करें, तो हम लोग चार्ट्स को पास्ट में जाकर स्टडी करते हैं और एक एक बार देखते हैं कि क्या इसने ब्रेकआउट दिया तो क्या वर्क करा या नहीं करा। तो बट गाइस, ये चीजें अब भूल जानी है, क्योंकि जिफी की तरफ से स्ट्रैटेजी आ गया है एंड उस पर आप लोग वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हो लाइव मार्केट के अंदर, अपने ट्रेड्स को रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को चेक कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। इसके अलावा आप दूसरे लोगों की भी स्ट्रैटेजीज को वहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हो और चेक कर सकते हो बैक टेस्टिंग के थ्रू। इसके अलावा आप वहीं पर रियल मार्केट पे भी ट्रेड्स ले सकते हो। तो बहुत कुछ है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलते हैं जिफी की तरफ से द स्ट्रैटेजी पे, और अगर आप लोगों ने अभी तक वहाँ पर अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप वो भी जाके जरूर चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। सो हम लोग गाइस अपने जिफी के टर्मिनल पे आ चुके हैं। अब इस टर्मिनल पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम स्ट्रैटेजी के थ्रू एक अपनी बास्केट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी खुद की पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एंड एवरीथिंग। तो जैसे कि आप अपने टर्मिनल पे ओपन करेंगे एंड अपना लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन के लिए ऑलरेडी मैंने कैसे लॉगिन करना है, क्या आपको फीचर्स दिए जाएंगे इसके लिए, तो मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके ओपन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अपना अकाउंट ओपन करा, टॉप राइट कॉर्नर पर आपको दिख जाएगा स्ट्रैटेजी, आप इसे क्लिक करिएगा, आप एक दूसरे टर्मिनल इंटरफेस पे आ जाएंगे। जैसे आप इस इंटरफेस पे आएंगे, यहाँ पर अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसे बैक टेस्ट कर सकते हैं और कैसे वर्चुअल ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो इस टर्मिनल पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आठ स्ट्रैटेजीज के नाम से आप लोगों को मल्टीपल स्ट्रैटेजीज देखने को मिल रही होंगी। अब ये स्ट्रैटेजीज चॉइन ब्रोकिंग की तरफ से खुद उन लोगों के एक्सपर्ट्स ने बनाई हुई है और ये बहुत अच्छी काम करती है। या तो अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप अपनी खुद की रिसेंट स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं और आप उसको क्रिएट करके भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप खुद, आपने जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजी क्रिएट कर ली और आप उस पर वर्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप वर्चुअल ट्रेडिंग पर जाके अपनी पूरी ट्रेडिंग टर्मिनल चेक कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है एंड एवरीथिंग। कुछ टर्मिनल्स ऐसे भी होंगे जो आप लोगों ने स्टॉप करे होंगे एंड आप उसको भी चेक कर सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो जब आपका यूज़ खत्म हो जाएगा। लाइव अभी आने वाला है और ये बहुत अच्छा फीचर है जो आने वाला है, जिसके लिए हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ऑर्डर बुक पे आप चेक कर सकते हो कि जितने भी ट्रेड्स आपने वर्चुअल ले रखे हैं वो कौन से ट्रेड्स ले रखे हैं, तो इसकी पूरी ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करनी है। सो लेट्स गो विथ क्रिएट स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी का नाम दे लेते हैं, लेट्स गो विथ शिवांश बसीन EMA स्ट्रैटेजी, ठीक है। एंड पोजीशन में लॉन्ग शॉर्ट और बोथ आपको देखने को मिल रहा है, आई थिंक मैं बोथ करना चाहूंगा। इंटरवल में ले लेता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम का एंड चार्ट टाइम में ले लेता हूँ कैंडलस्टिक। अब बाय इंडिकेटर, सो बाय के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज हम EMA लिखेंगे एंड EMA पे हम पीरियड डालेंगे 50 का एक्सपोनेंशियल, जो मैं एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के सामने क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे जो कि होगा सो अभी के लिए 50 लेकर चलते हैं एंड क्लोजिंग के लिए भी एग्जैक्टली 50 ही होगा, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर ऊपर गया या नीचे गया तो हम लोगों को एक सिग्नल मिल जाए एंड यहाँ पर हम लोग अपना स्टॉप लॉस और अपना प्रॉफिट परसेंटेज वाइज डिसाइड करते हैं। सो लेट्स गो विद 1 का अगर स्टॉप लॉस होगा तो 1:2 का या 2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे चाहिए। इसके अलावा अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार नेक्स्ट करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर ऑलरेडी हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा आप कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ये स्ट्रैटेजी को रन करना चाहते हो, या आप अपनी खुद की भी बास्केट क्रिएट कर सकते हो। अभी हम लोग टोटल 50 स्टॉक्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स गो विथ कि मैं हैवी वेट बास्केट हो गया, निफ्टी ऑटो का बास्केट इन लोगों ने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स गो विथ कि निफ्टी 50 बास्केट IT बास्केट को लेकर चलते हैं एंड इस IT बास्केट पे लेट्स गो विथ कि हमने 100 क्वांटिटीज ली है। मैं प्रेफरेंस हूँ का मेरा इंटरडे को, क्योंकि मैंने 15 मिनट्स का इंटरवल या टाइम फ्रेम सेलेक्ट करा है।
यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि मुझे कितने से कितने टाइम पीरियड की बैक टेस्टिंग चाहिए। सो लेट्स गो विद कि मैं चाहता हूँ फ्रॉम 1st of March टू टिल दिस डेट। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि मेरा एंट्री स्टार्ट टाइम 9:15 हो और एंट्री का एंड टाइम 3:15 हो, ठीक है। एंड मैक्स ट्रेड में लेना चाहूँगा 5। सो अब एक बार सेव करते हैं एंड बैक टेस्ट करते हैं। तो जैसे ही आप सेव और बैक टेस्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर ये नीचे होना स्टार्ट होके दिखा देगा एंड आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। सी एज यू कैन सी इट हियर, यहाँ पर आप पूरा चेक कर सकते हो कि कौन से जैसे HCL टेक के अंदर क्या है, इन्फोसिस के अंदर हम लोगों को इस तरह रिवॉर्ड मिल रहा है, टोटल ट्रेड्स कितने गए हैं, विन टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, कितने विन के हम लोगों को ट्रेड्स मिले, कितने लॉस के हमें ट्रेड्स देखने को मिले हैं, आप सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे खास बात क्या है, हम लोगों ने डाला था 1:2.5 का रिस्टोर्ड रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप चेक करोगे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर TCS के अंदर हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, रिटर्न भी ठीक है, अगर आप विन देखोगे 7 है, लॉसेज हमारे कितने हैं 9, बट तब भी हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। सो गाइस ये स्ट्रैटेजी जो ऐप ये पर्टिकुलर टर्मिनल है ये हम लोगों को हेल्प करता है बताने के लिए कि हम कौन सा प्रॉफिट भी सेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा चलिए इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं एंड कोई और बास्केट लेते हैं, हैवी वेट्स की बास्केट ले लेते हैं एंड एक बार इन पे रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इन पे रन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी हमें दिखा देगा कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं एंड क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इन्फोसिस का एंड आप इन्फोसिस की पूरी डिटेल देख सकते हो व्यू बैक टेस्ट पे जाके कि इसने कितने विन करे, इनका स्ट्रीक रेशियो क्या था, इनका शार्प रेशियो क्या था, आप पूरा चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टोटल 15 ट्रेड्स लिए थे जिसमें से 7 लॉन्ग थे और 8 शॉर्ट गए थे, जिसमें से 6 विन हुए और 9 लॉस में गए, बट तब भी प्रॉफिटेबल ट्रेड था बिकॉज हम लोगों ने अपना रिस्टोर रेशियो उस बेसिस पे डिसाइड करा था जिससे हम लोग प्रॉफिट पे रह सकते। आप नीचे आओगे तो आप बाय और सेल का ग्राफ चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप पूरी अपनी एग्जामिन कर सकते हो कि आपने कहाँ पर बाय करा, कहाँ पर सेल करा, क्या रीज़न था, सारी चीज़ें। इसके अलावा डेली PNL भी आपको देखने को मिल रहा है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। इसके अलावा कौन से टाइम पीरियड पे वो ट्रिगर हुआ, किस प्राइस पे ट्रिगर हुआ, कितनी क्वांटिटी ट्रिगर हुई, किस टाइम पे हुआ, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी एंड आप सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अब आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए एक्चुअल में वर्क कर सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी मुझे अच्छा प्रॉफिट दे सकती है और मैं वर्चुअल ट्रेडिंग में तैयार हूँ एंटर करने के लिए, तो आप रन ऑप्टिमाइज कर सकते हो और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को और अच्छा कर सकते हो। और ये रन ऑप्टिमाइजेशन आपको बताएगा एक पॉसिबल लेवल जहां पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया मैच कर सकता है। सो मिनिमम स्टॉप लॉस हम रखते हैं 1 टारगेट हम 2 रखते हैं एंड मैक्सिमम स्टॉप लॉस इज 2.5 एंड हम लोग इसे रख लेते हैं 7, ठीक है, और इंटरवल 1। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ये चीज़ करी कि हम मिनिमम स्टॉप लॉस 1 और मैक्सिमम 2.5 तक जा सकते हैं और मिनिमम टारगेट हमें 2 चाहिए और मैक्सिमम हमें 7 चाहिए। अब ये पूरा ऑप्टिमाइजेशन हमें करके बताएगा कि सबसे बढ़िया चीज़ कौन सी है जो हम ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं अगर आप स्टॉप लॉस 1 रखते हैं तो यहाँ पर आपको ये मिल सकता है स्टॉप लॉस 1 और टारगेट अगर आप 3 रखते हैं तो ये आपका प्रॉफिट है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये पसंद आ रहा है, हम इस पे जाएंगे व्यू डिटेल्स पे, हम व्यू डिटेल्स पे इस पूरी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, व्यू ग्राफ्स पे दोबारा जाके पूरी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं एंड जैसे ही हमें पता है तो हम यहाँ पर अपना वर्चुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो विद कॉपी टू अ न्यू स्ट्रैटेजी, इसको मेरे को लगता है ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क कर रही है, लेट्स गो विद XYZ स्ट्रैटेजी, ठीक है। एंड हम लोगों ने इसको ले लिया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इस तरीके से इसको मेंटेन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी टू वन स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस 1 एंड टेक प्रॉफिट 3। अब आपको लगता है कि यार ये स्टॉप लॉस 1 और 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरे को सफिशियंट लग रहा है, मेरे लिए अच्छा भी बैठ रहा है, तो आप इसको मर्ज कर सकते हो अपने सारे स्ट्रैटेजीज के अंदर और वहां पर भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप चेकेंगे मर्ज का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आप मर्ज कर सकते हो, सारी स्ट्रैटेजीज आपकी ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएंगे। हम पीछे चलते हैं एक बार और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं रन ऑप्टिमाइजेशन अगर हम लोग करना चाहें तो। जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी वो ऑटोमेटिकली मेरे को यहाँ पर स्ट्रैटेजी शो होना स्टार्ट हो जाएगी शिवांश भसीन EMA की। यहाँ पर अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी को रन कर सकता हूँ। यहाँ पर हम जैसे अपने व्यू डिटेल्स पे जाते हैं, व्यू डिटेल्स में यहाँ पर आपको रन ऑप्टिमाइजेशन का दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल्स मैं रिलायंस पे नहीं करना चाहता, मेरे को हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर विन रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है 70% का, जिसमें मेरे 7 हिट थे एंड 3 मेरे लॉसेस थे, तो मैं यहाँ पर अपना रन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहूँगा। जैसे ही रन ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ
मैंने अपना ये ऑटोमेटिकली सेट कर लिया है एंड इसको अगर मैं चेंज करके लेकर जाना चाहूँ मैक्सिमम 10 एंड स्टॉप लॉस इज 2 इज फाइन, तो रन ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं। ये मुझे बताएगा हिंदुस्तान लिवर पे सबसे बढ़िया ऑप्शन जिसके थ्रू मैं कौन सा स्टॉप लॉस सिलेक्ट करूँ और कौन सा रिवॉर्ड सिलेक्ट करूँ एंड उसके बेसिस पे मैं उसे फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आप कोई भी स्टॉप लॉस अगर 1 रखते हो और आप कोई भी प्रॉफिट लेते हो तो सब में आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है जो हमें पता चल रही है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको बैक जा सकते हैं एंड बैक जाते ही मैं यहाँ पर अपना एक ट्रेड ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर पे और मैं इस पर एक वर्चुअल ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। मुझे देखना है क्या ये हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, अगर मैं सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर पे ही ट्रेड करूँ तो क्या ये मुझे प्रॉफिट दे सकती है। तो रन वर्चुअल पे चलते हैं। जैसे ही रन वर्चुअल पे चलेंगे इंट्राडे टाइप ऑटोमेटिकली है। स्ट्रैटेजी लाइव करते हैं, लेट्स गो विद 10 डेज। हम 10 दिन के लिए स्ट्रैटेजी को लाइव लेकर जा रहे हैं, वर्चुअली लाइव लेकर जा रहे हैं एंड यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये हमें 10 दिन के अंदर कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितने विन और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थे इन एवरीथिंग, ठीक है। एंड हम सीधा इसे रन कर देते हैं। तो जैसे हम इसे रन करेंगे ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो चुका है, डन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्चुअल पे आपको देखने को मिल रहा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर वेटिंग फॉर ट्रिगर। अब जैसे ही लाइव मार्केट ओपन होगी और जैसे ही आपको यहाँ पर कोई ट्रिगर दिखेगा ऑटोमेटिकली ये बाय या सेल कर लेगा, ऑटोमेटिकली एग्जिट कर लेगा एंड पूरी प्लानिंग करके चलेगा। सो गाइज ये थी स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। अगर हम एक बार पीछे चले और हम इन लोगों में से कि चॉइस ब्रोकिंग की स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहे या अपनी खुद की नहीं बनाना चाहते, हम उनकी स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं लेट्स गो विथ कोल इंडिया की स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बैक टेस्ट पे क्लिक करा, रन करा एंड इसे बैक टेस्ट करा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको ओवरऑल दिखाएगा। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कोल इंडिया पे प्रॉफिट कितना है, रिटर्न कितना प्रोवाइड हो रहा है। टोटल 20 ट्रेड्स में से 10 प्रॉफिट के थे, 10 लॉसेस के थे। अब हमें इसे अगर स्टडी करना हो तो व्यू बैक टेस्ट पे जाएंगे। व्यू बैक टेस्ट पे आप पूरा स्टडी कर सकते हो कि आपने टोटल 20 स्टॉक्स ट्रेड्स लिए थे, क्या प्रॉफिट रहा, आफ्टर टैक्सेस कितना प्रॉफिट आपको मिला, कहाँ पर आपने ट्रेड लिया, एंट्री आपकी कहाँ पर रही है, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो जाता है। इसके अलावा किस टाइम पीरियड पे लिया, कितने बजे लिया, किस दिन आपने ट्रेड लिया, सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आप इसमें रन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। इसके अलावा वर्चुअल ट्रेडिंग भी इस पर खुद भी कर सकते हो। तो आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से, उनकी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज भी आप एज अ रन कर सकते हो और ऑप्टिमाइज अपनी पर्सनलाइज थ्रू कर सकते हो। सो गाइस ये था पर्टिकुलर टर्मिनल जो मैं आपको शो करना चाहता था, जो डेफिनेटली हमारे ट्रेडिंग सेटअप को और ज़्यादा ईजी कर सकता है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए गाइस। इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे आपको मिल जाएगा इस जिफी ऐप का लिंक, आप वहाँ पर जाइए, डाउनलोड करिए उसको, इसको एंजॉय करिए। अभी ये बेटा है, अभी लाइव भी आने वाला है, सारी चीज़ें प्रोवाइड होने वाली है। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, बाय।